हेलो गाइस, यू आर लिसनिंग टू संगम कुमार और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 2020 में घटी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। साल 2020 को लंबे समय तक याद किया जाएगा, सिर्फ कोरोना वायरस के लिए ही नहीं बल्कि कई अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए भी। तो बने रहें वीडियो के एंड तक क्योंकि आपको देखने को मिलेगा साल 2020 इन फास्ट एंड फॉरवर्ड। सो इफ़ यू आर न्यू इन आवर चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। साल 2020 में जेफ बेजोस, डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, बिल गेट्स जैसे कई नामी हस्तियों के ट्विटर अकाउंट हैक किए गए और साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मामला बन के सामने आया और ट्विटर पर कई गंभीर आरोप उठे, जैसे विनोद कौन है, रसोड़े में कौन था। वेल मजाक कर रहा हूँ, 2020 में विनोद और रसोड़े में कौन था बहुत वायरल हुआ था और हैशटैग विनोद और हैशटैग रसोड़े में कौन था ट्विटर फेसबुक पे वायरल हो गया। वहीं 2020 में साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा सीरियस इशू बन के सामने आया। लिटरली मैं आपको बता दूं कि ट्विटर अकाउंट हैक हुए जिसके बाद ट्विटर को ऑफिशियली माफ़ी भी मांगनी पड़ी। वैसे माफ़ी तो शार्क 2 के निर्माताओं को भी मांगनी चाहिए क्योंकि शार्क 2 के ट्रेलर वीडियो पर यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा डिसलाइक किए गए और इस वीडियो पर अभी रियल टाइम पे 13 मिलियन से भी ज़्यादा डिसलाइक पड़े हैं और इसी के साथ मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियो ऑन यूट्यूब शार्क 2 का ट्रेलर बन चुका है और कई स्टार किड्स को भी और इस फिल्म के एक्टर एक्ट्रेस को भी नेपोटिज्म को लेकर जनता के विरोध का सामना करना पड़ा। वैसे इस साल हमें एक बड़ा राजनीतिक बदलाव भी देखने को मिला जहां अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्शन में जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप को कई टक्कर दी और राष्ट्रपति चुनाव में एक मजबूत दावेदारी पेश की। और इस साल IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग में भी चेन्नई की खराब परफॉर्मेंस ने कई CSK और धोनी फैंस के दिलों को तोड़ दिया और इसी के साथ मुंबई इंडियंस ने IPL 2020 के खिताब पर अपना कब्जा जमाया। वैसे इस साल ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म को भी बहुत बढ़ावा मिला। इसके अलावा TikTok और PUBG समेत 49 चाइनीज ऐप भी बैन कर दिए गए। वैसे इस साल फिल्म इंडस्ट्री से भी एक बुरी खबर आई जहां बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत ने बांद्रा स्थित अपने फ्लैट में सुसाइड कर लिया। इस खबर ने कई सिनेमा प्रेमी दिलों को भी झकझोर दिया और इसी के साथ दिग्गज अभिनेता इरफान खान की भी ब्रेन ट्यूमर से मृत्यु हो गई और इसके ठीक एक दिन बाद ऋषि कपूर ने भी इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और अपने फैंस को कभी ना भूलने वाले एक दर्द दे गए। इन सभी में से सुशांत सिंह राजपूत डेथ मिस्ट्री ने मीडिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। सुशांत सिंह राजपूत केस ने कई बॉलीवुड स्टार को ड्रग्स को लेकर तो कभी नेपोटिज्म को लेकर एक्सपोज कर दिया। इस मामले ने अंततः राजनीति का भी रूप ले लिया जिसका कई लोगों ने गलत फायदा उठाने की भी कोशिश की। और एक बुरी खबर है केरल के कोझिकोड से भी जहां 8 अक्टूबर को एक दुखद प्लेन क्रैश हुआ जहां 21 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आपको बता दें कि यह प्लेन एयर इंडिया एक्सप्रेस 1344 था जो कि दुबई से केरल की ओर आ रहा था। अगर इस साल को सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए याद किया जाएगा तो वह है चीन के वुहान से निकले कोरोना वायरस के लिए जिसकी वजह से 17 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी और कई लोगों की जॉब भी चली गई जो कि शायद इस सदी की सबसे बड़ी घटना है। वहीं इस साल के अंत में किसान आंदोलन ने भी अपना जोर पकड़ लिया जो कि अभी तक जारी है। उम्मीद करता हूँ कि यह साल आप सभी के लिए बहुत अच्छा जाए एंड विश यू ऑल अ हैप्पी न्यू ईयर। टेक केयर, बाय बाय।